मुंबई में होने वाली बीएमसी चुनाव पर बीजेपी की खास नजर है। इसे लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, साथ ही सियासी बयानबाजी का भी दौर चल पड़ा है। बीजेपी और शिवसेना के बीच जुबानी जंग भी जारी है। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा है कि महाराष्ट्र में मोदी नहीं बाला साहेब का नाम चलता है। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। खासकर बीजेपी और शिवसेना के बीच जुबानी जंग शुरू है। इस बीच शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने फिर एक बार भाजपा पर हमला बोल दिया है। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मोदी नहीं बाला साहेब का नाम चलता है। उद्धव ठाकरे ने एक कार्यक्रम में कहा कि मुंबई में होने वाले बीएमसी चुनाव पर भाजपा की नजर है, लेकिन बीजेपी नहीं जानती महाराष्ट्र में मोदी का नहीं बल्कि बाला साहेब का नाम चलता है। मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कर्स यूनियन के कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उद्धव ने कहा कि मजदूरों, आप मुंबई के लाखों घरों में जाकर दीप जलाएं, जिससे जो काला बाजारी चल रही है उससे लोगों के घरों में रोशनी डाले। ठाकरे ने कहा कि बीजेपी के लोग इस समय विधायकों, सांसदों, शिवसेना और बाला साहेब के सपने चुरा रहे हैं, ये पार्टी है या चोर बाजार। उद्धव ठाकरे ने इस दौरान खोखे को लेकर भी एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाया। शिवसेना चीफ ने कहा कि खोखे लेकर ये सरकार आई है। उन्होंने ये मुद्दा उठाकर कहा कि मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लोग बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल 50 खोखे एकदम ओके है, ये बातें वायरल हो रही। उद्धव ने कहा कि भले ही भाजपा की योजना महाराष्ट्र शिवसेना को खत्म करने की है, लेकिन ये संभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।